प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद ही छोटी लेकिन काम की बात बताने वाला हूं। आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा कि लाइट की स्पीड जब आपसे कोई पूछते हैं तो आप बताते हो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो कि काफी हद तक सही भी है, ये आप अक्सर यूज करते होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़े अलग तरीके से दूसरों के सामने रखना चाहते हो, या फिर अगली बार जब कभी टीचर आपसे स्कूल में पूछे कि बताइए लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो आप उस केस में अगर ये वैल्यू बताओगे तो आप यूं समझ लो कि एक अलग ही आप छाप छोड़ जाओगे। 2.99×10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड, ये वैल्यू आप बताओगे। हालांकि और ज्यादा अगर एग्जैक्ट आप बताना चाहते हो, देखो ये वैल्यू मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसे आप आसानी से याद कर लोगे और 3 के बेहद ये करीब भी है। लेकिन अगर पूरा बिल्कुल एडवांस ही आप अपने आप को रखना चाहते हो तो इस वैल्यू को आप याद कर लो, 2.99792458×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इस लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। अगर इस वैल्यू को अगर आप याद रख सकते हो तब तो सोचो मजा ही आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट इस वैल्यू को तो आप डेफिनेटली अपने माइंड में रखना। और ये वैल्यू ऐसा नहीं मैंने कहीं से भी दे दिया, खुद आपको NCERT में मिल जाएंगे। हालांकि ये वीडियो में एक मिनट NCERT में भी मिल जाएंगे, हालांकि ये वीडियो मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जैसा कि ये चैनल अभी मैंने डेडिकेट कर रखा हूँ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, तो आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना जाएगा। और ये चीज़ खुद क्लास 12th की बुक में NCERT की बुक में लिखी गई है, तो इसलिए भी इस वैल्यू पर आप संदेह नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।